हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे विल सी अबाउट स्तन्य दोषा, दैट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ओके, सो पहले स्तन्य क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं बताऊंगी. सो स्तन्य क्या है, इट्स सेट टू बी द आइडियल फूड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फॉर एन इन्फेंट. ओके, तो आइडियल फूड है which provides nutritional and psychological satisfaction to an infant. Even though आजकल बहुत सारे formula feeds है जो developed हुए हैं recent time में, but nothing as ideal as breast milk. बराबर ना? तो स्तन्य दोष and related to that स्तन्य दुष्टि एक unique contribution है आयुर्वेदा का, and that is mentioned by various acharyas. सो स्तन्य दोष एक सीरियस कंसर्न है, बराबर, डेवलपिंग इन्फंट में आजकल हम देखे तो, बिकॉज ड्यू टू स्तन्य दुष्टि वही जो स्तन्य है वो इन्फंट को माता पिलाती है, एंड उसी से ही अलग प्रकार के वेरियस मोबिडिटीज कह सकते हैं, या तो अलग टाइप के डिजीजेस डेवलप होते हैं इन्फंट में, एंड इवन उनके जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी हैम्पर होता है. सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्तन्य दुष्टि मे रिड्यूस दिस मॉर्बिडिटी इन इन्फेंट्स. तो स्तन्य दोष के बारे में जो आचार्य ने बताया है किस प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं और उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ स्तन्य दोष. स्तन्य दोष का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें है मेन टू टाइप्स के हैं, दैट इज स्तन्य प्रमाण दोष एंड स्तन्य गुण दोष. सो स्तन्य प्रमाण दोष इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एंड स्तन्य गुण दोष इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटी. Even in this quantitative abnormality also, there is stanya shaya and stanya vruti. Quantitative में भी दो प्रकार है, stanya shaya and stanya vruti. And qualitative abnormality में है stanya dushti only. So stanya pramana dosh देखेंगे first, then we'll see stanya guna dosha. तो प्रमाण मीन्स लाइक इट इंडिकेट क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. तो उसमें फर्स्ट स्तन्यशय देखेंगे, तो स्तन्यशय इज मीन्स डिक्रीज इन ब्रेस्ट मिल्क. क्षय का मतलब क्या है, कम होना, रास होना. सो डिक्रीज इन ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज स्तन्यशय. सो व्हाट आर द कॉजेस मेंशनड इन अ संहिता, उसमें भाव प्रकाश में बताया गया है, अवात्सल्यात् भयात् शोकात् क्रोधात् अति अपतर्पणात् स्त्रीणां स्तन्यं भवेत् स्वल्पं गर्भांतर विधारणात्. द रेफरेंस इज फ्रॉम भाव प्रकाश पूर्वार्ध 4th/10th. सो इट मीन्स लाइक लैक ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स चाइल्ड, जो अवात्सल्य है यानी अपने बच्चे की तरफ अगर माता का अफेक्शन नहीं रहे, इमोशंस नहीं रहे, अगर जो मदर है वो भय में हो, किसी फीवर में हो, शोक यानी ग्रीफ में हो, क्रोध यानी एंगर गुस्से में हो, और एक्सेसिव यूज ऑफ ड्राई सब्सटेंसेस, ज्यादा जो अपतर्पण करने वाले पदार्थ है उसका अगर अति सेवन करे, एंड गेटिंग प्रेग्नेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड आर सेड टू बी द कॉजेस फॉर डिक्रीज्ड ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वुमन. अगर जस्ट लाइक इन्फेंट है, बेबी 6 month ओल्ड है या 1 year तक का है, एंड अगेन अगर प्रेग्नेंट वापस हो जाए मदर, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन कम हो सकता है ड्यू टू अनदर प्रेगनेंसी. तो दीज आर द स्तन्य क्षय कॉजेस.
आचार्य काश्यप हैज ऑल्सो मेंशनड लाइक शोधनाद्वा स्वभावाद्वा यस्य शीरम विशुष्यति, काश्यप संहिता सूत्रस्थान 19/18 में दिया रेफरेंस। सो आचार्य काश्यप मेंशंस अंडरगोइंग एक्सेसिव शोधन चिकित्सा एंड इन फ्यू बिकॉज ऑफ देयर नेचर ब्रेस्ट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इज इन लेस क्वांटिटी। तो आचार्य काश्यप का ये कहना है कि एक्सेसिव शोधन चिकित्सा अगर की हो मदर की, तो उसकी वजह से जो स्तन्य है वो भी क्षय होगा ही, लेस क्वांटिटी में ही उत्पन्न होगा। अनदर इज रेफरेंस फ्रॉम अष्टम हृदय उत्तर तंत्र, शुक्रो क्रोध लंघनायासः स्तन्य नाशस्य हेतवः। सो आचार्य वाग्भट एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर स्तन्य नाश आर शोक दैट इज ग्रीफ जो मैंने पहले कहा, क्रोध है फियर, लंघन अगर ज्यादा किया तो, आयस और बाय स्वभाव ही, जैसे किसी पे स्वभाव ही कम, स्वभावतः नेचुरली ही कम प्रोडक्शन ऑफ स्तन्य होता है तो स्तन्य क्षय दिखाई देता है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स में देखे तो स्तन्य क्षय स्तन्योर मलांता स्तन्य स्तन्य असंभवो अल्पतावा तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग। रेफरेंस इज फ्रॉम सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 15/21। सो अभी स्तन्य क्षय के सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स उसमें है स्तन्योर मलनता यानी लैक्सिसिटी ऑफ ब्रेस्ट, एक टाइप का ब्रेस्ट अगर एकदम लूज रहे तो, एंड स्तन्य अल्प संभव अल्प यानी स्तन्य ही, लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन अगर सिक्रीशन ही कम रहा तो ये सब क्या स्तन्य क्षय के लक्षण में दिखे जाते हैं। और उसी के लिए ही सुश्रुत ने भी कहा है कि उसके लिए श्लेष्म वर्धन द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। सो मैनेजमेंट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड्स जीवनीय ब्रूहण एंड रसायन द्रव्य प्रयोग। तो भी जैसे क्षय है तो उसमें क्या वृद्धि जो भी है वृद्धि करने वाले द्रव्य है वो यूज करना है। अब क्षय किससे होगा, वात और पित्त दोष से ही क्षय होता है और कफ से क्या वर्धन होता है, तो जो श्लेष्मल द्रव्य है वो यूज करने के लिए बोला है सुश्रुत आचार्य ने। और जो श्लेष्म द्रव्य है वही जीवनीय रहते हैं, ब्रूहण करने वाले रहते हैं और रसायन करेंगे। ड्रग्स लाइक शाली अन्न मीट काउज मिल्क शुगर आसव कर्ड्स एंड अदर डिजायर्ड थिंग्स बाय वुमन। तो शाली जो शाली अन्न है, फिर मांस है, गोदुग्ध है, शुगर शक्कर जो है, आसवरी दधी, ये सब क्या कफ वर्धन आते रहते हैं और इसी से ही कफ वर्धन से रस वर्धन होगा और स्तन्य वर्धन होगा। यूजेज ऑफ ड्रग्स हैविंग मधुर अम्ल लवण रस मध्य एक्सेप्ट सिद्धु। तो मधुर अम्ल लवण रस वाले युक्त वाले द्रव्य का यूज करना है ज्यादा चिकित्सा में, और मध्य भी देना है इन द फॉर्म ऑफ आसवरिष्ट और अलग प्रकार के जो मध्य बताए हैं संहिता में, एक्सेप्ट सिद्धु, सिद्धु को छोड़ के बाकी सब देना है। Having sufficient rest and without worry, possessing pleasant state of mind. तो जो मदर है उनको sufficient rest देना है, आराम अच्छे से देना है, without any tension, worry, any grief, और एकदम pleasant state of mind में उनको रहने बोलना है। उसी से ही प्रसन्न मन से ही रस की उत्पत्ति अच्छी होती है, क्योंकि ये जो भी मानस भाव है वो रस निमित्त है एंड रस का ही जो है उपधातु स्तन्य है। अगर रस अच्छा बनेगा तो स्तन्य भी अच्छा बनेगा अपने आप ही नेचुरली, उसकी उत्पत्ति अच्छी होगी। यूजेज ऑफ घी एंड ऑयल सफिशियंटली कैन क्योर स्तन्य क्षय। तो अभी जैसे मैंने इसमें कहा कि वात पित्त दोष अगर होकर प्रकोपित होंगे, प्रकोप होगा तो भी स्तन्य कम होने के चांसेस है, बराबर वात पित्त प्रकृति होगी तो भी, तो ऐसे में वात पित्त हर में घृत और
ये तेल है वो चिकित्सा परम बताई गई है, तो उसका प्रयोग करना है चिकित्सा में। श्वेतावरी, अश्वगंधा, मूसली, बृहति, ये सब क्या है? जीवनीय है, ग्रहण करने वाले और रसायन करने वाले द्रव्य है। हैव ऑल्सो शोन वेरी गुड एक्शन इन इम्प्रूविंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो ये स्तन्य उत्पत्ति करेंगे अच्छे से। सो नेक्स्ट है स्तन्य जनन योग भी हम यूज कर सकते हैं, जो चरकाचार्य ने दशमानी में बताया है। चरक सूत्र स्थान 4/17 में 10 स्तन्य जनन द्रव्य जो बताया है, नोन एज स्तन्य जनन महाकषाय, विच कैन बी यूज इन फीमेल्स हु हैव डिक्रीज्ड ब्रेस्ट मिल्क। तो वो कौन से है? वीर्ण, शाली, षष्टि के, इक्षु, वालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्र, इटकट, तृण, इटकट, तृण, मूलानि, अतिदशेमानि, स्तन्य जनानि भवन्ति। तो ये सारे जो 10 द्रव्य बताए हैं चरकाचार्य ने, वो उसका भी प्रयोग चिकित्सा में कर सकते हैं, वो स्तन्य जनन योग है। नेक्स्ट इज स्तन्य वृद्धि। एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क अगर प्रोडक्शन रहा, तो जब प्रमाण में अगर वृद्धि रही तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो उसमें क्या है कि स्तन क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स दिखेंगे? स्तन्यम स्तनयोर अपिनत्वम मुहुर मुहुर प्रवृत्ति तोदम च, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में 15th chapter 16th श्लोक में बताया है कि फीचर्स ऑफ स्तन्य वृद्धि इंक्लूड्स एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन ब्रेस्ट, पेनफुल ब्रेस्ट एंड रिकरेंट डिस्चार्ज ऑफ लो ब्रेस्ट मिल्क। तो उससे क्या एंगोजमेंट रहेगा ब्रेस्ट में, हैवीनेस रहेगा ब्रेस्ट में फील होगा, और पेनफुल ब्रेस्ट भी हो जाएंगे, और उसकी वजह से बार बार ज्यादा वृद्धि की वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो है स्तन्य का मुहर मुहर प्रवृत्ति होगा रिकरेंटली। अब इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? केतेषम यथास्वम संशोधनम शपणम च क्षयाद विरुद्धे ही क्रिया विशेषेर प्रकृवित, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15/17 में बताया है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट शोधन एंड शमन विच स्पेसिफाइज द इंक्रीज्ड दोषाज एंड एट द सेम टाइम डज नॉट सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्तन्य वृद्धि। तो अगर एक्सेसिव अगर वृद्धि है स्तन्य की, तो उसमें सबसे पहले शोधन शमन चिकित्सा करने के लिए कहा है, और जो भी दोष है बड़े हुए हैं उनका शमन के लिए कहा है। जैसे इसमें वृद्धि में कफ दोष बड़ा रहेगा तो कफ शमन के लिए, कफ शोधन के लिए चिकित्सा करनी है, और एट द सेम टाइम क्या है कि जो भी जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको पूरा ही स्टॉप या सप्रेस नहीं करना है। स्तन्य वृद्धि हो गई है तो स्तन्य वृद्धि में कम करने के जगह पर पूरा ही स्तन्य होना बंद हो जाए, प्रवर्तन होना बंद हो जाए या स्तन्य क्षय हो जाए, ऐसे भी मैनेज नहीं करना है। आचार्य कश्यप हैज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यूज ऑफ इक्षुरस एंड मंड इन दिस कंडीशन। अब ये मंड और इक्षुरस क्या है? कफ वृद्धि कर है, मधुर रस है, मधुर मधुर शीत है, तो इससे क्या और कफ बढ़ेगा, और कफ और रस बढ़ने की वजह से अति स्तन्य उत्पत्ति होगी, सो इसलिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेट कहा गया है उनका यूज करना। तो ऐसे अलग अलग जो भी स्तन्य दूषित करने वाले जो भी है कारण, उसको हमें अवॉइड करने के लिए पेशेंट को, मदर को एडवाइस करना है। सो ये हमने स्तन्य प्रमाण दोष देखा है। अभी स्तन्य गुण दोष जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।